हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है study24hours.com का यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो पे आज हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का जो पोस्ट है, पेजेस हैं, उन सब का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी कारणवश अपने होस्टिंग को चेंज कर रहे हो या किसी भी कारणवश आप अपने पेजेस का, पोस्ट का, जितने भी पोस्ट आपने लिख रखा है वो सब आप बैकअप लेना चाहते हो और बाद में उसको फिर किसी वेबसाइट में या फिर अपने वेबसाइट में डालना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बैकअप पोस्ट या पेजेस या सब कुछ का कैसे आप लोग ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग डैशबोर्ड ओपन कर लेना। ठीक है, जो भी आपका वेबसाइट है डैशबोर्ड ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सेटिंग में मतलब अपना कर्सर को ऊपर रखना है और सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको बैकअप रखना है तो एक्सपोर्ट आपको करना है, और अगर आप बैकअप रखे हुए हो और अपने इस वेबसाइट पे डालना है तो आप लोग कर सकते हो इंपोर्ट। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को हर चीज़ का बैकअप चाहिए तो ऑल कंटेंट रख सकते हो, या फिर पोस्ट या पेजेस का चाहिए तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी ऑल कंटेंट का करता हूँ क्योंकि पूरा वेबसाइट का ही बैकअप रखना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे ऑल कंटेंट पे करके डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना बैकअप। इसको सेव कर लेना है आपको अपने कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे हो चुका है, देखिए, और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जितना भी आपका पोस्ट पेजेस हैं उन सब के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो जस्ट और कुछ नहीं है, यहाँ पे बैकअप हमारा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए अपने किसी वेबसाइट में जाके इसको फिर से डालना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये करना, इम्पोर्ट पर आना। इम्पोर्ट पर आने के बाद आप लोगों को वर्डप्रेस जो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है वर्डप्रेस का। ठीक है, वर्डप्रेस का इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद, मतलब अगर आप लोग मान लीजिए वर्डप्रेस में ही, वर्डप्रेस के किसी साइट में या होस्टिंग में डाल रहे हो तो आप लोग वर्डप्रेस करना है, या फिर ब्लॉगर में डाल रहे हो तो ब्लॉगर करना है, बाकी जिसमें है आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर रन इम्पोर्टर पर आपको क्लिक करना है और जो आपने बैकअप फाइल डाउनलोड किया था वो ब्राउज करके यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो मैं तो अभी दूसरे साइट में नहीं हूँ। ठीक है, सॉरी, ये वाला नहीं था। तो गाइस देखिए ये मैंने अपने डाल लिया है। ठीक है, अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करने से ही जितने भी पोस्ट पेजेस थे आपके मतलब पुराने साइट में, तो वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई न्यू साइट पे नहीं हूँ, उसी साइट पे हूँ आपको दिखाने के लिए। तो दैट्स इट गाइस, ऐसे ईजिली आप लोग बहुत ईजी तरीके से आप लोग कर सकते हो ये। ठीक है, तो और भी वर्डप्रेस रिलेटेड या टेक्निकल टिप्स रिलेटेड वीडियोस देखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपकी स्किल्स जरूर बढ़ेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।